السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين. حضرات، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، آیت کریمہ پر کچھ بیان کروں اس سے پہلے کی، آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین طٰہٰ و یٰسین شفیع المذنبین انیس الغریبین جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پورا انوار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا تحفہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات، یہ ماہ رمضان المبارک کا پربہار مہینہ ہمارے سروں سے گزر رہا ہے، اور اس مہینے کی ادب، اس مہینے کا احترام ہر مسلمان پر ضروری ہے. یہ روزہ کیا ہے؟ یہ روزہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے. روزہ کو ہم سے پہلے کہ لوگوں پر اللہ رب العزت نے فرض کیا تھا، اور یہی روزہ امت محمدیہ پر بھی فرض کیا گیا ہے. جہاں تک ہو سکے، اگر آپ کسی عذر میں نہیں ہیں، اگر آپ معذور نہیں ہیں، شرعی عذر نہیں آپ کے پاس کچھ ہے، تو آپ اس فرض کو کبھی بھی کسی حالت میں نہ چھوڑیں. روزہ ہر حال میں رکھنا آپ کے اوپر فرض ہے. حضرات، آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی رمضان کے روزے کو رکھا، صحابہ کرام نے رکھا، تبع تابعین نے رکھا، ہم ان کے امتی میں ہیں. آقا نے اپنے پیارے امتیوں کو بھی یہ تحفہ عطا فرمایا تاکہ ہماری اعمال زیادہ سے زیادہ اچھے ہوں، اور ہمارے اعمال صالحہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب پیش کیے جائیں تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کی اعمال صالحہ کو دیکھ کر کے خوش ہوں. اس لیے ضروری ہے دوستو کہ اس ماہ مبارک میں ہر لمحہ
हर सात हर घड़ी अपनी जुबान को तिलावती कलामुल्लाह से और तस्बीह के जरिए से, तहलील के जरिए से, जुबान से कुरान अजीम की तिलावत करके अपने वक्त को गुजारें। बहुत ही बाबरकत वाला महीना है। अगर इस महीने में अगर आप एक नेकी करते हैं तो 70 का सवाब पाएंगे। अगर नफल कोई नमाज पढ़ता है तो फराइज के बराबर सवाब पाता है। हजरात, इसलिए ज़रूरी है इस रमज़ान मुबारक के महीने को अपने हाथों से ज़ाय न जाने दें। जो शख्स रमज़ान मुबारक की हर रात में 2 रकात नमाज इस तरह अदा करे कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह अखलास पढ़े, तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी हर रकात के बदले में 70 लाख फरिश्ते भेजता है। उनका काम यह होता है वो उस बंदे की नेकियां रखें और बुराइयां दूर करें और उसके दर्जात को बुलंद करें और जन्नत में उसके लिए शहर और महल बनाएं और बागात की परवरिश करें। उसके अलावा हर रकात के एवज़ में अल्लाह तबारक व ताला उसको एक मकबूल हज का सवाब भी अता फरमाता है। आप गौर कीजिए कि अगर रमज़ान मुबारक के महीने में कोई 2 रकात नफिल इस तरह से पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बदले में उसके लिए जन्नत में महल बना देता है, बागात में उसके लिए परवरिश का ज़रिया बना देता है और एक हज मकबूल का सवाब परवरदिगार अता फरमाता है। इसलिए यह माह मुबारक इतनी पुरबरकत महीना है, दोस्तों अपने हाथ से ज़ाय ना जाने दें। और इस महीने में जो हर शब को सेहरी के बाद 2 रकात नमाज पढ़े और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 25 मरतबा सूरह इखलास पढ़े तो रात के सवाब का जो ऊपर हमने बयान किया दूना सवाब पाएगा। आप सोचिए कितनी बरकत महीना वाला ये रात है, कितनी बाबरकत वाली ये रात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रहमत के ख़जाने लुटा रहा है अपने बंदों के लिए कि बंदे जो है ज़्यादा से ज़्यादा आमाल सवालह करें, ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाएं। ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए रास्ता निजात बना दिया है कि ये महीना पा करके अपने वक्त को इबादतों में गुजारें, तिलावतों में गुजारें, आपकी आखिरत समझ आएगी। जो रमज़ान मुबारक के हर दिन में 4 रकात अदा करे, हर रकात में फातिहा के बाद सूरह अखलास 3 मरतबा और रमज़ान मुबारक के हर जुमा मुबारका को 10 रकातें इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह अखलास पढ़े तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस नमाज के पढ़ने वाले के लिए 10,000 शहीदों का सवाब लिखा जाएगा और अगर उसने 10,000 गुलाम आज़ाद किए और 700 बरस इस तरह अल्लाह की इबादत की कि दिन को रोज़ादार और शब को नमाज पढ़ने वाला रहा। हजरात,
ये पर्वत दिगारे आलम की तरफ से सवाब ही है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो 10,000 शहीदों का सवाब लिखा जाएगा और 10,000 गुलाम आज़ाद करने का, 700 बरस इस तरह अल्लाह की इबादत की, दिन को साइम रोज़ादार रहा और रात को नमाज पढ़ने वाला लिखा जाएगा। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, तो आप जो है इस मुबारक महीने को अपने हाथों से ज़ाय न जाने दें, गलतियों में गुनाहों में न गुजारें, सारे महीने की इबादत कबूल हो जाती है। अगर आप जो रमज़ान मुबारक की आखिरी रात में 10 रकात नमाज इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह अखलास 10 मरतबा पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम महीना की इबादत कबूल करेगा और 30,000 साल की इबादत का सवाब उसके नाम आमाल में दर्ज फरमाएगा। हमारे प्यारे आका, हमारे प्यारे अल्लाह अज़्ज़ल हमें माह मुबारक का एहतराम करने और इस रोज़ा में इसमें रोज़ा रखने और तरावीह अदा करने, तिलावत कलाम पाक नवाफिल की कसरत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से पूरा शाबान रमजान को, शाबान के महीने को रमज़ान के महीने से आप मिला दिया करते थे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए ज़रूरी है कि आप रोज़े का एहतराम करें, आप रोज़े की कदर करें, जहाँ तक हो सके आप जो है रोज़ा को अच्छी तरीके से आप निकालें, रोज़े में कोई कमी ना होने पाए। और आजकल को देखा जा रहा है लोग जो है रोज़ा ना रखने की तमाम उज़्र पेश किया करते हैं, जब रमज़ान मुबारक का महीना करीब आ जाता है आते ही खुद को बीमार तसव्वुर कर लेते हैं, तरह तरह की बीमारियां बनाते हैं, तरह तरह के बहाने बनाते हैं। ऐसा उज़्र ना करने से, ऐसा उज़्र करने वाला खुद तो जो है जहन्नमी होगा और जो भी उसके बातों पर अमल करेगा वो भी जहन्नम के मुस्तहिक होगा। हजरत, इसलिए जो है रोज़ा के लिए आप उज़्र ना बनाएं। सही उज़्र अगर आपको है, आप सफ़र में हैं तो आप कसर कीजिए, अगर आप मरीज़ हैं, मर्ज़ बढ़ जाने का आपको अंदेशा है तो उसकी कसर, रोज़ा मर्ज़ बढ़ जाने का अंदेशा है तो आप जो है उसकी क़ज़ा करें, आपकी क़ज़ा मानी जाएगी। अज़ीज़ानी ज़िवकार, रोज़ा एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को हर गुनाहों से बाज रखता है, गुनाहों से दूर रखता है। इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि आप जो है रोज़ा रखने की हत्तल इम्कान आप कोशिश करें कि आपका एक रोज़ा, एक नमाज, तिलावत कुरान न छूटने पाए, और ख़ुद भी करें, अपने बच्चों को इस बात पर भी जो है तंबीह करते रहें। रोज़ा ढाल है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा सिपर है जब तक उसे फाड़ा ना हो। अर्ज़ की गई, किस चीज़ से फाड़ेगा? इशारत फरमाया, झूठ या गीबत से। अगर रमज़ान का रोज़ा आपने फाड़ा नहीं है, गुनाहों में नहीं गुजारा, गीबत चुगली झूठ में से आप बचते रहे, तो ये आप, ये रोज़ा आपके लिए सिपर बन जाएगा, एक ढाल बन जाएगा, आपके लिए एक आड़ बन जाएगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जो आपकी नामे आमाल पेश होगा, उस वक्त यह रोज़ा परवरदिगार आलम के सामने गवाही देगा, ए मेरे मौला, इस बंदे की जो है शफात होनी चाहिए, इस बंदे की जो है निजात होनी चाहिए, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे बंदे ने जो है दिन को तेरी मोहब्बत में, तेरी रजा के लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त किया है। परवरदिगार आलम, इसने तेरी रजा की खातिर अपने को भूखा और प्यासा रखा है।
इसके सामने अच्छी अच्छी चीज़ें मौजूद होने के बावजूद हलाल चीज़ को अपने ऊपर ही हराम करार रखा था। इसकी बीवी, इसके हसीन और जमील बीवी इसके सामने मौजूद थी, लेकिन तेरी रजा के लिए, तेरी खुशी के लिए उसने अपनी हलाल बीवी के ऊपर भी निगाह नहीं उठाया। हलाल करदा चीज़ परवरदिगार मौजूद थी, लेकिन तेरी मोहब्बत में, तेरी रजा में इसने सब कुछ तेरे नाम पे कुर्बान कर दिया। उसको नहीं खाया ना पिया। परवरदिगार मैं गवाह हूँ, इसकी मग़फ़िरत होनी चाहिए, इसकी बख्शिश होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की जो है, जो रोज़ा सिफर और ढाल बनाया गया है, वही रोज़ा उसकी बख्शिश करा करके उसको जन्नतुल फिरदौस का हकदार बना देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सदक़े से उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा। हजरात, इसलिए जो है दोस्तों, रोज़ा की आप अहमियत समझें, रोज़े की फजीलतों को समझें, रोज़े की बरकतें समझें। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत खुशनसीब बंदों को अता फरमाता है। आने वाले वक्त में किसकी ज़िंदगी सलामत रहेगी, किसकी नहीं सलामत रहेगी, तो अगर हम रोज़े की अनेकी को पाएंगे, रमज़ान में अगर रोज़ा हमने रखा, नमाज़ें पढ़ी, तरावीह पढ़ी, कुरान अज़ीम की तिलावत की, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके सदक़े से हमारे आमाल समर जाएंगे, हमारी आखिरत समर जाएगी। हजरात, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर हम सबको अमल करना चाहिए, अमल करने की कोशिशें करनी चाहिए और सुन्नत पर अमल करना चाहिए। हजरात, जानबूझ करके लोग जो है रोज़े की हालत में इधर उधर की बातें लायानी करते रहते हैं, इन बातों से रोज़ा कहते ही नहीं जाता है, ऐसे ऐसे मजाक की बात, वाहियात बात कर देते हैं, कोई सोचते हैं कि रोज़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने भूल करके खाया पिया जमा किया तो रोज़ा फासिद ना हुआ, ऐसा लोग बोलते हैं। भूल कर खाया पिया जमा किया, रोज़ा फासिद ना हुआ, खा वो रोज़ा फर्ज हो या नफिल हो। हकीकत में दोस्तों, अगर आप भूल करके खा पी लिए, जमा कर लिए, तो इनसे रोज़ा आपका नहीं जाएगा। किसी रोज़ादार को इन आफान में देखें तो याद दिलाना वाजिब है। अगर कोई शख्स भूल करके खा रहा है, पी रहा है, तो उसको याद दिलाना चाहिए। अगर आपको याद है तो याद दिलाएं, दिलाना आपके ऊपर वाजिब है। अगर आपने याद ना दिलाया, अगर आपने याद ना दिलाया तो गुनहगार होंगे। हाँ, अगर रोज़ादार बहुत ही कमज़ोर हो कि याद दिलाने पर वो खाना छोड़ देगा, जिसकी वजह से कमज़ोरी इतनी बढ़ जाएगी कि उसके लिए रोज़ा रखना ही दुश्वार हो जाएगा, और अगर खा लेगा तो रोज़ा भी अच्छी तरह पूरा कर लेगा, और अगर दीगर इबादतें भी बखूबी अदा कर लेगा, चूँकि भूल कर खा पी रहा है इसलिए उसका रोज़ा तो हो ही जाएगा, लिहाजा इस सूरत में याद दिलाना ही बेहतर है। बाज़ मशाइख किराम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो उनको देखे तो याद दिलाए और बूढ़े को देखे तो याद ना दिलाए, दिलाने में हर्ज नहीं, मगर ये हुक्म अक्सर के लिहाज से है, क्योंकि जो इन अक्सर कौमी यानी ताकतों ताकतवर होते हैं और बूढ़े अक्सर कमज़ोर, चुनांचे असल हुक्म यही है कि जवानी और बुढ़ापे को कोई दखल नहीं है, बल्कि वक्त कुव्वत व ज़ौफ़ यानी ताकत और कमज़ोरी का लिहाज है। लिहाजा अगर जवान इस कदर कमज़ोर हो तो याद न दिलाने में हर्ज नहीं है, और अगर बूढ़ा कवि यानी ताकतवर हो तो याद दिलाना वाजिब है। रोज़ा याद होने के बावजूद भी मक्खी या गुबार या धुआं हलक में चले जाने से रोज़ा नहीं टूटता, खा वो गुबार आटे का हो जो चक्की पीसे या आटा छानने में उड़ता है, या गल्ला का गुबार हो, या हवा से खाक उड़ी, या जानवरों के खुर या टाप से हो, उससे रोज़ा नहीं जाता है। बस या कार का धुआं या उनसे गुबार उड़कर हलक में पहुंचा
اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا تو روزہ نہیں جائے گا. اگربتی سلگ رہی ہے اور اس کا دھواں ناک میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگربتی سلگ رہی ہو اور زیادہ اور روزہ یاد ہونے کی باوجود جو منہ کے قریب لے جا کر اس کا دھواں ناک سے کھینچتا تو روزہ فاسد ہو جائے گا. بھری سیگنی لگوائی یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا. اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. حضرات ان سب باتوں کو آپ کو ہمیشہ دھیان دینا ضروری ہے. غسل کیا اور پانی کی خشکی یعنی ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا. کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا. دوا کوئی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہو روزہ نہیں ٹوٹا. کان میں پانی چلا گیا جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ خود پانی ڈالا جب بھی نہ ٹوٹا. تنکے سے کان کو کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا گیا اگرچہ چند بار ایسا کیا ہو جب بھی روزہ نہ ٹوٹا. دانت یا منہ میں خفیف یعنی معمولی چیز بے معلومی سے رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گا اور وہ اتر گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا. دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو ان سب صورتوں میں روزہ نہ گیا. مکھی حلق میں چلی گئی روزہ نہ گیا اور قصدن نگلی تو چلا گیا. بھولے سے کھانا کھا رہے تھے یاد آتے ہی لقمہ پھینک دیا یا پانی پی رہے تھے یاد آتے ہی منہ کا پانی پھینک دیا تو روزہ نہ گیا. اگر منہ کا لقمہ یا پانی یاد آنے کے باوجود نگل گئے تو روزہ گیا. آپ کو روزہ ٹوٹ جائے گا. صبح صادق سے پہلے کھایا یا پی رہے تھے اور صبح ہوتے ہی یعنی سحری کا وقت ختم ہوتے ہی منہ میں کا سب کچھ اگل دیا تو روزہ نہ گیا اور اگر نگل گیا تو جاتا رہا. حضرات ان سب باتوں پر آپ لوگ کو دھیان دینا ضروری ہے کہ ان باتوں سے روزہ نہیں جاتا ہے. غیبت کی تو روزہ نہ گیا اگرچہ غیبت سخت کبیرہ گناہ ہے. قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا, اور حدیث پاک میں فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے. اگر غیبت کی وجہ سے روزہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے, جنابت یعنی غسل فرض ہونے کی حالت میں صبح کی بلکہ اگرچہ سارے دن جنوب یعنی بے غسل رہا ہو روزہ نہ گیا مگر اتنی دیر تک قصدن جان بوجھ کر غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے گناہ و حرام ہے. حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ جس گھر میں جنب ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ غسل کی ضرورت آپ کو ہے, آپ جنبی ہیں, آپ ناپاک ہیں, تو جہاں تک ہو سکے آپ جلدی سے جلدی آپ غسل کر لیں تاکہ جو ہے آپ کے روزے میں کوئی کمی نہ آئے. ویسے تو روزہ آپ کا نہیں جائے گا, بہرحال جب تک آپ ناپاک رہیں گے آپ کے قریب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا. تھوک یا بلغم منہ میں آیا
फिर उसे निगल गई तो रोजा न गया। इस तरह नाक में रीस जमा हो गई, सांस के जरिए खींचकर निगल जाने से भी रोजा नहीं जाता है। हजरत, ये सब थे रोजा किंच युस नहीं टूटता है। आपके सामने मसाइल भी बयान किए गए। इंशाअल्लाह अज़ीज आप इस चैनल को देखते रहे, फिर हम दूसरे टाइम में आपके सामने हाजिर होंगे। अब आपसे हम रुख्सत चाहते हैं। आखिर में दुआ है परवरदिगार आलम हर मुसलमान को रमज़ान मुबारक की रोज़ा रखने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए, इसकी इज्जत और तकरीम करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। परवरदिगार आलम सुनने से ज़्यादा सब लोगों को अमल का जज्बा अता फ़रमाए। वाखरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।